मित्रों, जो बिहार के अंदर कैबिनेट का विस्तार हुआ है उसमें आपराधिक छवि के लोगों की भरमार है, और दूसरी बात है कि सामाजिक संतुलन नहीं है। इस मंत्रिपरिषद में राजद की ओर से ललित यादव, रामानंद यादव, सुरेंद्र यादव, कार्तिक कुमार, ये ऐसे नाम हैं जो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, जिनकी छवि दागदार छवि है। ये ललित यादव वही हैं जिन्होंने दीनानाथ बैठक के जो एक दलित ट्रक ड्राइवर थे उनके पाँव के नाखून को उखाड़ लिया था, जिस आरोप में उनको लालू जी ने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था। सुरेंद्र यादव पर 9 मुकदमे चल रहे हैं, यहाँ तक कि यौन शोषण से जुड़ा भी एक मुकदमा उनके ऊपर चल रहा है। एक्सटॉर्शन, आर्म्स एक्ट, किडनैपिंग, तमाम मुकदमे सुरेंद्र यादव पर दर्ज हैं। रामानंद यादव, कार्तिकेय कुमार की भी वही स्थिति है। और ये ऐसे नाम हैं जब इलाके में चलते तो लोग उनके नाम से डरते हैं। ये अनंत सिंह का दाहिना हाथ आ गया, ये सुरेंद्र यादव आ गया। तो नीतीश जी, आप किस मजबूरी में इस प्रकार के लोगों को मंत्री बना रहे हैं? और दूसरा ये कि दो वर्ग के लोगों को 33% जगह दे दी गई और बाकी बेचारे तेली समाज का एक मंत्री नहीं, कानकोब जी एक मंत्री नहीं, काय समाज का कोई मंत्री नहीं, राजपूत समाज की संख्या घटा दी गई। तो ये कोई संतुलित मंत्रिपरिषद नहीं है। हम लोगों ने तो अति पिछड़ा समाज से आने वाली रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाया था, हम लोगों ने वैश्य समाज के तारकिशोर जी को डिप्टी सीएम बनाया, आपने किसी भी को अति पिछड़ा को डिप्टी सीएम नहीं बनाया। इसलिए असंतुलित और दूसरा कि आपराधिक छवि के लोगों की इस मंत्रिपरिषद में भरमार है, और दूसरा कि वित्त विभाग जो है ये राजद के पास होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बहुत बुद्धिमानी से दोनों विभाग में अपने पास रख लिया है। तो इसलिए ये जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है इसका कोई सकारात्मक संदेश पूरे देश में नहीं जाएगा।